हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किडनी स्टोन के बारे में, जिसमें जानेंगे कि क्या कारण है कि किडनी स्टोन हो जाता है, इसके लक्षण क्या देखने को मिलता है, और साथ में जानेंगे इलाज की संपूर्ण जानकारी। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी को हम रेनल कैलकुलाई या यूरिनरी कैलकुलाई के नाम से भी जानते हैं। इसे जो है नेफ्रोलिथियासिस या यूरोलिथियासिस के नाम से भी जानते हैं। नेफ्रोलिथियासिस में जो है दो शब्द है, पहला जो है नेफ्रो और दूसरा जो है लिथियासिस। इसमें नेफ्रो का मतलब होता है किडनी, किडनी से रिलेटेड, और जो लिथियासिस का मतलब होता है स्टोन यानी किडनी का स्टोन, और जो यूरोलिथियासिस है तो यूरो का मतलब होता है यूरिन यानी पेशाब, और लिथियासिस का मतलब होता है स्टोन यानी पेशाब के रास्ते में स्टोन हो गया हो, तो उसको भी मतलब बोल सकते हैं कि इसको नेफ्रोलिथियासिस या यूरोलिथियासिस के नाम से भी जानते हैं। किडनी स्टोन जो है ये फॉस्फेट या जो है कैल्शियम ऑक्सलेट या जो है यूरिक एसिड और क्रिस्टल से बनते हैं, और ये जो है अलग अलग साइज के होते हैं। स्टोन जो होता है ये किडनी के अंदर होते हैं, जब ये स्टोन वहाँ से अलग हो जाते हैं तथा यूरेटर में आ जाते हैं तब सीवियर पेन होता है। किडनी स्टोन होने का कारण जो है डिहाइड्रेशन और यूरिन के गाढ़ा होने से भी होता है, मतलब डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम के कारण या यूरिन के गाढ़ा होने के कारण भी जो है किडनी स्टोन हो सकता है। बात करें इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है, तो देखिए जब पथरी जो है किडनी से निकलकर यूरेटर में जाने लगती है तो उस टाइम जो है बहुत तेज दर्द होता है, कमर में भी दर्द होता है, और कभी कभी पेशाब के साथ जो है ब्लड भी आता है। दर्द के समय बार बार यूरिन त्यागते हैं जिसमें पेशाब की मात्रा कम होती है और उसमें ब्लड होता है। कभी कभी ठंड के साथ बुखार भी आ जाता है, नोजिया वोमिटिंग और ज़्यादा पसीना आना, ये सब लक्षण देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर बात करें कि किडनी में कितने एमएम से कितने एमएम तक की किडनी को जो है निकाला जा सकता है, इसका इलाज किया जा सकता है बिना ऑपरेशन के, तो देखिए किडनी में जो है अगर किडनी जो है किडनी में जो है 6 mm से 10 mm तक की पथरी है तो उसको निकाला जा सकता है। 6 mm की पथरी को यूरिन से बाहर निकाला जा सकता है यूरिन के द्वारा, लेकिन अगर 10 mm की जो पथरी है उसको मेडिसिन से जो है ब्रेक करके पेशाब के साथ बाहर निकाली जा सकती है। ब्रेक में हो जाएगा 5 mm का, फिर 3 mm का, फिर 2 mm का, इस तरह से करके जो है 10 mm की पथरी को तोड़कर जो है मेडिसिन के द्वारा तोड़कर इसे शरीर से बाहर मतलब किडनी से बाहर निकाला जा सकता है पेशाब के रास्ते से। और बात करें इसमें जो है क्या इलाज करना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले तो पेशेंट को बेड रेस्ट देना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना चाहिए, लिक्विड देना चाहिए, और दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं कराना चाहिए। पेशेंट को जो मांसाहारी भोजन है उसे भी नहीं देना चाहिए। बात करें कौन कौन सी दवाइयाँ देना है, तो देखिए इसमें नीरी सिरप या अल्कासोल सिरप या सिस्टोन सिरप आता है, तीनों सिरप में से कोई एक सिरप यूज कर सकते हैं। तीनों जो है पथरी को पथरी के लिए ही यूज किया जाता है। नीरी सिरप लीजिए या अल्कासोल या सिस्टोन सिरप लीजिए, इस तीनों में से कोई एक सिरप जो है 2-2 चम्मच सिरप सुबह शाम लेना है। ज़रूरत पड़ने पर 3 टाइम भी दिया जा सकता है, और इसे 3 से 7 दिनों तक दिया जाता है। और किडनी में दर्द रहता है तो उसके लिए जो है 0 SP टैबलेट जो है या डाइक्लोफेनेक टैबलेट जो दिया जा सकता है, या डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन दिया जा सकता है, या एनाफोर्टन इंजेक्शन दिया जा सकता है, या बुस्कोपान का इंजेक्शन भी दिया जा सकता है, कोई एक इसमें से पेन के लिए दिया जा सकता है। अगर डाइलोना SP टैबलेट देते हैं या डाइक्लोफेनेक का टैबलेट दिया जा सकता है, तो एक एक टैबलेट जो है सुबह शाम 2 टाइम दे सकते हैं खाना खाने के बाद। अगर इंजेक्शन देते हैं एनाफोर्टन इंजेक्शन, तो 2 mL का इंजेक्शन या बुस्कोपान इंजेक्शन जो है दे सकते हैं। इसे दिन में एक बार दिया जा सकता है, ज़रूरत पड़ने पे दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है, और इसके साथ जो है कोई एंटीबायोटिक भी दिया जा सकता है यदि UTI की प्रॉब्लम हो, पेशाब में जलन रहता है, तो उस समय जो है आप ओफ्लॉक्सासिन की टैबलेट या सिप्रोफ्लॉक्सासिन या नरफ्लॉक्सासिन की टैबलेट, तीनों में से कोई एक एंटीबायोटिक जो है यूज कराना है। तीनों में से कोई एक एंटीबायोटिक देना है, चाहे आप ओफ्लॉक्सासिन की टैबलेट दीजिए, सिप्रोफ्लॉक्सासिन की टैबलेट दीजिए या नरफ्लॉक्सासिन की टैबलेट दीजिए, एक एक टैबलेट जो है सुबह शाम दिया जाना चाहिए। और यूरिक एसिड अगर बढ़ा हो तब जो है एलोप्यूरिनोल की टैबलेट जो आता है 300 मिलीग्राम की, जाइलोरिक नाम से आपको मिल जाएगा, ये दिन में एक बार दिया जाता है। और नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें कि कौन सी मेडिसिन दिया जाता है, तो इसमें जो है वेल्टाम 0.2 टैबलेट जो है
देना चाहिए। यह टेबलेट जो है अल्फा ब्लॉकर्स क्लास की दवा होती है और यह यूरिनरी ट्रैक की जो स्मूथ मसल्स हो उसको डाइल्यूट करती है यानी फुला देती है, फैला देती है, जिससे स्टोन जो है आसानी से पास हो जाती है। साथ में जो है पेशेंट को लेमन जूस भी देनी चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, साइटिक एसिड होता है, जो किडनी स्टोन को तोड़ने का काम करती है। तो दोस्तों ये था किडनी स्टोन की इलाज की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और किसी के भी काम आ सके।